ऑल राइट दोस्तों, ये है वन प्लस नॉट सी ई फोर लाइट, जिसकी कीमत आप लोग को 20,000 रुपये देखने के लिए मिल जाएगी। ये फ़ोन आप लोग का अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग बताते हैं ये फ़ोन आप लोग को परचेज़ करना चाहिए या फिर आप लोग इस फ़ोन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। बॉक्स को ओपन करने के बाद इसमें आप लोग को एक और मिनी बॉक्स रखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को मिलेगा सिम इजेक्टर टूल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, फिर इसमें आप लोग को वन प्लस नॉट के स्टिकर वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आप लोग को एक ट्रांसपेरेंट सा केस भी देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इसमें आप लोग को फ़ोन रखा हुआ मिलेगा जो कि प्लास्टिक रैपिंग में है। फिर आप लोग को इसमें टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाएगी जो कि रेड कलर में है। इसमें आप लोग को 80 वाट का सुपर वूक चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फास्ट आप लोग को चार्जिंग स्पीड प्रोवाइड कर देगा। इस फोन में आप लोग को 5,500 mAh की बैटरी भी देखने के लिए मिल जाती है। बात करें इस फ़ोन के बैक डिज़ाइनिंग की तो इसमें आप लोग को पूरा पीछे प्लास्टिक डिज़ाइनिंग देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें हमें किसी प्रकार का ग्लास वगैरह यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ा सा शाइन करता है तो आप लोग के फ़ोन में स्क्रैच वगैरह बहुत ही आराम से लग जाएंगे। इसमें पीछे आप लोग को 2 कैमरा देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आप लोग इसमें नीचे 2 फ्लैश भी देखने के लिए मिल जाती है। ये इस फ़ोन का ब्लू कलर है और आप लोग का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चटक सा कलर लगने वाला है। इसका आप लोग ग्रे कलर भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लू लिया क्योंकि इसका कलर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड में आता है। इसके अलावा इसका वेट अगर बताऊँ तो आप लोग को 191 ग्राम का इसका वेट देखने के लिए मिलेगा। इस फ़ोन को फर्स्ट बूट करने के बाद इसमें आप लोग काफ़ी सारे ब्लॉट वेयर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन इनको आप लोग बहुत ही आराम से अनइंस्टॉल कर पाएंगे। जब आप इस फोन की सेटिंग ऐप ओपन करें तो उसमें आप लोग को ऊपर थोड़े ऐड वगैरह भी आते रहते हैं, तो उसको भी आप लोग को जाके सेटिंग में ही बंद करना पड़ेगा। इस फोन में आप लोग को ऑटो ब्राइटनेस भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसका रिफ्रेश रेट आप लोग 120 Hz तक भी चेंज कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो इसमें आप लोग को सामने 6.6 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले लगा हुआ मिल जाएगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस आप लोग को 2100 nits देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आप लोग को सामने पंच होल देखने के लिए मिल जाता है और इसकी चीन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो आप लोग अगर वीडियो वगैरह कंज्यूम करते तो आप लोग को डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगने वाला है। इस फोन में आप लोग कलर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे क्योंकि आप लोग इसमें AMOLED डिस्प्ले लगा हुआ है और इसकी पीक ब्राइटनेस ज़्यादा होने के कारण आप लोग अगर आउटडोर में फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप लोग के फ़ोन में आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बात करें इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की, इस फोन में आप लोग को हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, यानी इसमें आप लोग 2 सिम और 1 SD कार्ड एक साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस फोन में आप लोग को नीचे मिल जाएगा चार्जिंग जैक, ईयरफोन जैक, स्पीकर, माइक, फिर इसमें आप लोग को इस साइड मिल जाएगा वॉल्यूम बटन, पावर बटन। इस फोन में आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा। ऊपर इसमें आप लोग को मिल जाएगा स्पीकर क्योंकि आप लोग इस फोन में डुअल स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। बात करें इस फ़ोन के मेमोरी वगैरह की तो उसमें आप लोग को 128 GB में से 22.2 GB के आसपास इसका सिस्टम यूज़ कर लेता है जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस फोन में आप लोग को हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें आप लोग SD कार्ड अगर आप लोग लगाना चाहें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस फोन में आप लोग को मेमोरी एक्सटेंशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे आप लोग उसको अपनी रैम इसकी बढ़ा सकते हैं पूरी 8 GB तक। इस फोन में आप लोग को एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। और वन प्लस ने इसने ऐसे कुछ अपडेट वगैरह इसमें नहीं बताया कि फ़ोन अपडेट कब तक आएगा और कितने तारीख में सिक्योरिटी अपडेट वगैरह भी आएगा, ऐसा इसमें वन प्लस ने कुछ अभी ओपन नहीं किया हुआ है। अगर बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की तो यहाँ पे वन प्लस ने काफ़ी ज़्यादा बेकार काम किया हुआ है। इसमें आप लोग को स्नैपड्रैगन 695 लगा हुआ मिल जाएगा। वन प्लस यही सेम प्रोसेसर आप लोग को पिछले 2 साल से दे रहा है, वन प्लस CE 3 Lite में और वन प्लस CE 2 Lite में भी इसने यही आप लोग को प्रोसेसर दिया हुआ जो कि स्नैपड्रैगन 695 है। इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर कहीं से भी आप लोग का वर्थ इट नहीं होता है। एटलीस्ट इनको यहाँ पे डायमेंसिटी का कोई अच्छा प्रोसेसर इस फोन में देना चाहिए था। इसमें आप लोग को मल्टीटास्किंग वगैरह आराम से हो जाएगी, ऐसी कुछ खास आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगेन वही बात है कि इसमें आप लोग को 10,000 वाला प्रोसेसर वन प्लस ने लगा के दिया हुआ है। स्नैपड्रैगन 695 के जगह अगर वन प्लस वालों ने इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का यूज़ किया होता तो ये फ़ोन कहीं ना कहीं ज़्यादा आप लोग का अच्छे से परफॉर्म वगैरह कर पाता, ऐसी कुछ खास फोन में प्रॉब्लम ना होती। लेकिन मल्टीटास्किंग वगैरह अगर आप नॉर्मल गेमिंग वगैरह भी करते हैं तो आप लोग इस फोन में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये फ़ोन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है सारे काम वगैरह करने के, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे प्रोसेसर आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट भी करेगा। बात करें इस फोन के कैमरा की तो इसमें पीछे आप लोग 2 कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, 50+2 MP का, और इसमें आप लोग को 60 MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आप लोग को अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है, ऐसी कुछ खास में दिक्कत नहीं है। कलर वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे आप लोग को आते हैं, तो कैमरा के मामले में ये फ़ोन आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप लोग को पिक्चर क्वालिटी वगैरह निकाल के दे देता है, ऐसी कुछ खास में आप लोग को प्रॉब्लम्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगी। इस फोन के बैक कैमरा से आप लोग 1080p पे 30 FPS तक वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर पाएंगे और यही सेम आप लोग इसके फ्रंट कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें कैमरा क्वालिटी आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट देखने के लिए मिलेगी, तो कैमरा अगर आप लोग फोन लेना चाहें तो आप लोग ये फ़ोन बिल्कुल से भी परचेज़ करिएगा। ये फ़ोन आप लोग को कैमरा के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है।
चलिए बात करते हैं वर्डिट की, आपको ये फ़ोन परचेज करना चाहिए या फिर आप लोग ये फ़ोन छोड़ देना चाहिए। तो उसमें अगर बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो उसमें आप लोग को एक अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा जिसकी पीक ब्राइटनेस आप लोग को 2100 निट्स देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जर रखा हुआ मिल जाएगा जो कि 80 वाट का है। इसके अलावा इसमें आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ हो जाती है। इस फोन में आप लोगों को सिर्फ एक कमी देखने के लिए मिलेगी, वो इसका प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 695 लगा हुआ है। इस प्राइस रेंज में ये प्रोसेसर कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता है। इस फोन का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आप लोग को बन जाएगा Realme P1 Pro और iQOO Z9। उन दोनों ही फोन में आप लोग को इससे अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बात करें चार्जिंग स्पीड की, तो वहाँ पे ये दोनों फोन आप लोग के फेल हो जाते हैं। वहाँ पे ये फोन काफ़ी ज़्यादा आगे रहेगा क्योंकि इसमें आप लोग को 80 वाट का चार्जर दिया हुआ है जो कि फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। फ़ोन का वेट भी आप लोग का iQOO Z9 से कम है और इसमें आप लोग को iQOO Z9 से 500 mAh बैटरी भी कम देखने की मिलेगी। इसमें आप लोग को 5500 mAh की बैटरी मिलेगी, वहीं आप लोग को iQOO में 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप लोग परफॉर्मेंस और बैटरी ज़्यादा चाहते हैं तो आप लोग iQOO वाला फ़ोन परचेस करिएगा, वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा बेटर डील आप लोग के लिए बन जाएगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी मत भूलिएगा।